अगले साल होने वाले कुंभ मेले के संदर्भ में 5 स्थानों पर हो रहे विचार कुंभ के मद्देनजर अगले 3 विचार कुंभ के आयोजन स्थल और तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अयोध्या में समरसता कुंभ का आयोजन 15 और 16 दिसंबर को हो रहा है, वहीं लखनऊ में युवा कुंभ का आयोजन 22 और 23 दिसंबर को और प्रयागराज में सांस्कृतिक कुंभ का आयोजन 30 जनवरी 2019 को होगा। वाराणसी और वृंदावन में 2 विचार कुंभ का आयोजन पहले ही किया जा चुका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर को प्रयागराज कुंभ की तैयारियों को लेकर पूर्ण हुई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। उन्हें यहां लगभग 3,500 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण भी करना है। उनसे पहले 15 दिसंबर इसी कार्यक्रम में करीब 72 देशों के राजदूत भी प्रयागराज आ गए हैं। दरअसल यूनेस्को ने कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है, जिससे दुनिया भर के देशों की रुचि विश्व के इस सबसे बड़े मेले को लेकर बढ़ गई है। प्रयागराज आने वाले राजदूतों को यहां मेले की तैयारियां, सुरक्षा और अन्य पहलुओं से रूबरू कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर को जिले में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें। अगले साल होने वाले कुंभ मेले के संदर्भ में 5 स्थानों पर हो रहे विचार कुंभ के मद्देनजर अगले 3 विचार कुंभ के आयोजन स्थल और तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अयोध्या में समरसता कुंभ का आयोजन 15 और 16 दिसंबर को हो रहा है, वहीं लखनऊ में युवा कुंभ का आयोजन 22 और 23 दिसंबर को और प्रयागराज में सांस्कृतिक कुंभ का आयोजन 30 जनवरी 2019 को होगा। वाराणसी और वृंदावन में 2 विचार कुंभ का आयोजन पहले ही किया जा चुका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर को प्रयागराज कुंभ की तैयारियों को लेकर पूर्ण हुई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। उन्हें यहां लगभग 3,500 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण भी करना है। उनसे पहले 15 दिसंबर इसी कार्यक्रम में करीब 72 देशों के राजदूत भी प्रयागराज आ गए हैं। दरअसल यूनेस्को ने कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है, जिससे दुनिया भर के देशों की रुचि विश्व के इस सबसे बड़े मेले को लेकर बढ़ गई है। प्रयागराज आने वाले राजदूतों को यहां मेले की तैयारियां, सुरक्षा और अन्य पहलुओं से रूबरू कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर को जिले में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें।